नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सरासी वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर राहु मेष राशि को छोड़कर बृहस्पति से प्रभावित राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 30 मई 2025 तक यानी आने वाले 18 महीने के लिए मीन राशि में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साल 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में शुभता देने वाला है, तो मेष राशि वाले जातकों, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी शुभ और अशुभ घटनाओं का योगदान ग्रहों के ऊपर होता है, यानी ग्रहों पर ही आधारित होती है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह होते हैं और राहु केतु का कोई ग्रहों में अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये छाया ग्रह हैं, यानी छाया के रूप में होते हैं। लेकिन राहु और केतु, ये दोनों प्लैनेट काफी शक्तिशाली हैं। सूर्य और चंद्र के ऊपर भी ग्रहण लगाने की क्षमता इनमें है। राहु पूर्व जन्म के बंधन को दर्शाता है और जिस भी ग्रह के साथ राहु देव बैठते हैं उसी ग्रह के अनुरूप, उसी ग्रह के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु सिर है और केतु केवल धड़ है। शरीर में अन्य अंग होने के ना कारण, यानी इंद्रियां राहु के नहीं है, इसकी वजह से राहु अच्छा और बुरा इसका निर्णय नहीं कर पाता। जन्म कुंडली पर बली राहु का प्रभाव जहां अचानक रूप से शुभ फल देता है। राहु यदि जन्म कुंडली पर बली हो तो ऐसा व्यक्ति निडर होता है, बहादुर होता है, अचानक अर्श से ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सफलता की ओर बढ़ने में समर्थ होता है। राहु अगर शुभ हो तो विदेश में सफलता, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, ड्रामा, राजनीतिक जीवन, युद्ध के क्षेत्र में सफलता मिलती है। राहु का बली प्रभाव हर प्रकार के भौतिक सुखों को देता है। वही राहु का बुरा प्रभाव अज्ञात भय, भ्रम की स्थिति देता है। अगर राहु की महादशा चल पड़े और किसी व्यक्ति की उम्र यदि 20 साल से 25 साल के बीच में हो और राहु की महादशा यदि जन्म कुंडली पर राहु खराब हो तो बदनामी, मान सम्मान की कमी और ऐसा व्यक्ति शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने लगता है, गलत एडिक्शन हो जाती है। राहु को यदि पीड़ित प्रभाव हो तो कोर्ट कचहरी में समस्याएं, मुकदमेबाजी, शरीर में जलन, पैरों के रोग, चमड़ी के रोग और शरीर में दुर्बलता देने लगते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के जातकों, पिछले 18 महीने से राहु आपके प्रथम भाव पर गोचर कर रहे थे। इसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार के तनाव, परेशानी, आर्थिक समस्याएं, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या, वैवाहिक उतार चढ़ाव और करियर में आपको समस्याएं मिल रही थी। प्रथम भाव पर राहु का गोचर सोचने समझने की शक्ति को भी समाप्त करता है।
कहीं ना कहीं राहु आपके मन में भ्रम दे रहे थे और कार्यों में बार बार रुकावट आपको दे रहे थे। अब यही राहु देव 30 अक्टूबर को आपके राशि के 12वें भाव पर चले जाएंगे और केतु आपके 6वें भाव पर रहेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, 30 अक्टूबर को द्वादश भाव पर राहु जैसे प्रवेश करेंगे तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके राशि के आयु भाव पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले करियर की दिशा में आप काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर ले जाने वाला है। राहु के परिवर्तन के पश्चात अच्छे पदों की प्राप्ति आसानी से होगी। मेष राशि के नए प्रयासरत जातकों के लिए नई संभावना बनती हुई दिखाई देगी, व्यापारिक मामलों में अच्छा मुनाफा अर्जित करने वाले हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि आप विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ शिक्षा के मामले में यदि आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में आर्थिक रूप से उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में समय बेहतर रहेगा। एक से अधिक माध्यम से आप अपने जीवन में धन लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में खर्च आपके जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर राहु का गोचर होगा तो यहां पर धर्म कर्म में भी आपका जुड़ाव रहेगा और धार्मिक कार्यों के ऊपर ही खर्च होने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में कोई मुकदमा फंसा हुआ है और विजय की संभावना को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उस पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यह गोचर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। राहु केतु आपके जीवन में शुभता देने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में मनोबल भी आपका बढ़ेगा और चौमुखी विकास आप अपने जीवन में करते हुए दिखाई देने वाले हैं। राहु देव का यह परिवर्तन आपके जीवन में सामाजिक दायरा बढ़ाएगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी आपके जीवन में होने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जो पूर्व समयावधि से ही भूमि भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए तो यहां पर राहु जनित शुभता को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो इस समयावधि में कुछ विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को या बड़े व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर लें, किसी प्रकार से इनका निरादर या अपमान करने से बचें तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जरूर चलना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए, बुधवार के दिन यदि आप पानी में कस्तूरी लोबान डालकर स्नान करते हैं तो राहु की महादशा यदि आपके ऊपर चल रही है तो आपको अनुकूल फल मिलेगा। राहु के जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता दुर्गा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। राहु का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना बेहतर रहेगा। गाय को यदि आप हरी घास देते हैं, मछलियों को यदि आप चारा डालते हैं, आटे की बनी हुई लोइयां यदि आप डालते हैं, इससे आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी।
साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।